हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं छोटी ईद के वीडियो पर, जो है शेरम की स्केचबुक के तरफ से। एक्चुअली शेरम ने भी काफ़ी लेट रिलीज़ किया ये वाला वीडियो, क्योंकि उसके वीडियोस में तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेट होने के लिए, क्योंकि बहुत एफर्ट जाता है ऐसे उसको ऐसे ये नहीं कर सकते, मतलब ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब बाकी यूट्यूबर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि पासवर्ड भूल गया क्या, ये इतना दिन से कहा लोग हमें भी तो करते रहा ब्लेम। हम लोग को ब्लेम कर सकते हो आप लोग, लेकिन शेरम को बिल्कुल मत करना। एंड आई नो कि थोड़ा लेट रिलीज हुआ है, लेकिन शेरम के कोई वीडियो को हम लोग मिस नहीं करना चाहते। अमेजिंग होता है इसके वीडियोस। अगेन, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेक श्योर टू सपोर्ट शेरम की स्केचबुक। नाउ लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। यार ऐसा कर, एक पाकड़ सेवियों का दे दे, एक लीटर दूध का डिब्बा दे दे, और एक बादाम का पाकड़ भी दे दे। छोटा बड़ा? छोटा ही दे दे। ये लो साहब। अबे ये क्या, 30 के 4 बादाम? मजाक कर रहे हैं अंकल, छल्ले वाली गन चाहिए। इस छोटे दहशतगर्द को पहले फारिग कर दे, नहीं तो दिमाग खाएगा। और छल्ले के 2 पैकेट और बारूद पटाखे भी। अबे जंग लड़ने जा रहे हैं क्या? ईद लड़ने जा रहा हूँ। ईद आज लड़ लड़, बस मेरे घर के आगे पटाखा फाड़ा ना, तुझे उठा के गायब कर दूंगा। अबे क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया? वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को गुज़िश्ता ईद मुबारक। कोशिश तो पूरी है कि ये वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, पर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वीडियो आप तक ईद के बाद ही पहुंच रही है। और हाल के एतवार से मैं ईद वाले दिन भी इस वीडियो पर काम करता रहा हूं, तो देर के लिए माजत ख्वाहूं, पर उम्मीद भी कि आज का तबसरा आपको पसंद आए, जिसका उन्वान है छोटी ईद। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। बड़े भैया हौसला कर लो, कुछ आधा दर्जन गुलाब जामुन खा चुका है, इतना मीठा ठीक नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं। अरे कुछ नहीं होता, मीठी ईद पे मीठा ही खाऊंगा ना, नमक पारे तो खाने से रहा। अरे बस अब बस कर दो, दिल बंद हो जाएगा, इधर रहे। बस एक और नहीं नहीं, बस बाकी बाद में खा लेना। अच्छा चल, शीर खुरमा ही दे दे, अभी ठंडा होने रखा है, तो और कर जाओ। मुझे लगता है तेरे अंदर किसी हॉस्टल वार्डन की रूह है। अमी शीर खुरमे में चम्मच का ठुंगा किसने मारा है? अरे वो तो मेहमानों के लिए रखा था। बड़े मियां, ये तुम्हारी हरकत लग रही है मुझे। वो मैंने नहीं, दबीर ने कहा है, दबीर ने। अरे कुर्ते पे क्या लगा दिया सुबह सुबह? अरे ये तो शीर खुरमे का निशान है। वो इफ्फी से लगा होगा, गोद में उठाया था ना मैंने उसे। थोड़ा तू चुप कर, लगा यार जरा टीवी लगाओ, देखें क्या चल रहा है। अबू ये देखे मेरे ईद के कपड़े कैसी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी मेहंदी देखे, अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी माशाल्लाह। अबू ईदी अंडरटेकर लग रही हो। भाइयों का वही तो काम होता है। क्या अभी क्या बनियान पजामे में बैठे हो? ओ भाई, हम पढ़ भी चुके नमाज, ईद हो गई, कब की हम लोग की, अब उठ रही है मेम साहब। ईद वाले दिन तो इंसान तैयार हो जाता है थोड़ा। मैं जा रहा हूँ सोने, काम हो तो उठा देना। किधर शॉर्ट हो रहे हो, ईदी दो मेरी। ईदी मिलेगी तो दूंगा ना अबू ईदी। हाँ हाँ मिल जाती है मिल जाती है, वो एटीएम में पैसे नहीं थे ना, आज निकाल के देता हूँ तुम्हें। ये मेरे साथ हुआ है वैसे भी, मैं हिंदू हूँ तो मेरा अलग एक फेस्टिवल है, दिवाली में नहीं। अच्छा, मेरा जो साउथ इंडिया में केरला में एक फेस्टिवल है विशु, उसमें सेम होता है ईदी जैसे आपके वहाँ पर होता है, वैसे ही हमारे इसमें भी पैसे देते हैं, जो बड़े होते हैं वो छोटों को पैसे देते हैं। तो मेरे साथ एक बार हो चुका है ये कि घर पे कैश नहीं था, तो बाद में देंगे बोल के फिर उसके बाद मुझे कभी मिला ही नहीं, पता है। अगर उस दावर का फोन नहीं आया अभी तक, काम पर होगा इस वक्त, तो कर लेगा बाद में कॉल। वहाँ क्या टाइम होगा इस वक्त? आ गया भाई, आ गया, दावर का फोन आ गया। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। वो फोन सामने रहेंगे, नमाज पढ़ ली ईद की। अबू आप लोग एक फोन से आ जाए, शोर हो रहा है। क्या बेटा? एक फोन बंद कर दे अबू, शोर बहुत हो रहा है। तबीयत कैसी है बेटा? बंद कर दे, आवाज कान तक जा रही है आवाज। भाई बंद करो इसे, क्या मसला है, पता नहीं लग रहा शोर हो रहा है। हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ, दूसरे कमरे में जा रही हूँ। आई नहीं ना आज भी आपकी बहन की कॉल? 2 घंटे हुए नमाज को, पूरा दिन पढ़ा अभी। आ गया फोन आ गया, लो तुम बात करो। नहीं नहीं आप बात करें। अरे अस्सलाम वालेकुम आपी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक खैर मुबारक। क्या हाल है भाई? बस आप ही को याद कर रहे थे अभी साले और मैं। अरे वाह, अल्लाह बहुत खुशियाँ दे तुम लोग को। बल्कि बड़ा बेचैन हो रही है बात करने को, ये ले बात करें। अरे पहले तुम तो बात कर लो। ये ले ये ले ये ले। आप बात करें। हेलो आपी, साले अभी वॉशरूम गई है, आती है तो मैं बात कराता हूँ। हाँ हाँ कोई मसला नहीं भाई, बात हो जाएगी आज, वैसे लगेगा हमारा चक्कर। भाभी आप आज ना आना। हम आएंगे आपके। तुम तो वॉशरूम में नहीं थे। ईद मुबारक।
सही बात ये काफी रियलिस्टिक था। और भाई नवीर तुम सुनाओ क्या चल रहा है? बस अंकल जिंदगी बताना ठीक से बता। सप्ली के पेपर मेरे काम में हाथ बटा रहा है। सप्ली के पेपर सप्लीमेंट्री मुझे लगे तो अच्छी बात है। बाकी बोर्ड के पेपर भी आने वाले, तैयारी कैसी? शीर बहुत अच्छी बनाई अंकल। बस ये भी बड़ा तगड़ा वाला काम है। ईद की नमाज वही पढ़ी थी घर के नजदीक? हाँ वही। कितने बजे हुई? अबे तूने क्या करना है जान के? मेरा मतलब बड़ा रिवायती सा सवाल है। पूरे अब तू छेड़ है मुझे अंकल। लेटरिन की जरे बाथरूम? हाँ जी जी बेटा। बेटा ये भाई को लेकर जाओ जरा वॉशरूम। वैसे मुल्क भर में सबसे वीरान और खामोश ईद का दिन इस्लामाबाद में होता है। मोस्टली लोग क्योंकि दीगर शहरों और गांवों से ताल्लुक रखते हैं तो ईद की आमद पर अक्सर वापस अपने अपने आबाई इलाकों की जानिब निकल जाते हैं। ईद की नमाज में आखिरी सफ़े खाली और सड़कें वीरान, चाय के होटल तक बंद हो जाते हैं। सही पोस्ट अपोकलिप्टिक मनाजिर होते हैं, गोया घुनसान की जंग लागू हो। यार वैसे आज नमाज के बाद दुआ बड़ी जबरदस्त कराई थी मस्जिद में। नहीं ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, नॉट गोना लाई, आई लेफ्ट राइट आफ्टर सलाम। मुझे तो नहीं पता क्या खुतबा भी नहीं सुना ना ब्रो। आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डोज ऑफ, लाइक नींद वाज ऑफ द चार्ट्स, माय माइंड वाज गोइंग बॉन्कर्स। मुझसे तो एक सेकंड नहीं रुका गया। ये अच्छा है, ईद तुमने पूरी मनानी है बट यू कैंट इवन मेक इट टू द दुआ। बहुत अच्छे यार, अनपॉपुलर ओपिनियन बट मैन ईद इज अ बिट ओवररेटेड। मैं तो सारा दिन सोता रहता हूँ, लाइक सुपर बोरिंग। बाय द वे तुम्हारी ईदी कितनी जमा हुई? मेरी तो 80K है। 80K? अबे भाई मुझे तो लग रहा है अंकल स्मगलिंग का कारोबार कर रहे हैं। इनके यहाँ तो लेटरिन भी हमारे कमरों से बड़ी है। अबे नाड़ा, अब क्या करूं? सबनम बैठे चेहरे पे क्या हुआ? आंटी ये वो रात को सोते हुए मेहंदी वाले हाथ लग गए थे। अबे देख यार ये दबीर किधर रह गए, आधा घंटा हो गया वॉशरूम में। ये बू देख के आता हूँ। अच्छा अच्छा तो अबे भाई मैंने तो बच्चों को 10 दफा गाए, घर से हाजत निपटा के निकला करूँ। बस जी बच्चे हो जाता है। अबू मसला हो गया। क्या हो गया? अबू दबीर का नाड़ा शलवार के अंदर चला गया। अबू बार बार ऐसे लग रहा है अभी तक रोजा है, फिर याद आता आज तो ईद थी। बेटा तुम्हें पता ईद के दिन खाने का भी अजर है। क्या बात है अबू, चलो अब नमाज का टाइम हो गया, शाबाश चलते हैं। नहीं अरे ये मैंने क्या कह दिया? कैसा है जानी? शैतान नमाजें शमाजें। चलो देर हो रही है, शाबाश। अबे लगा दे बहाना कोई, आज तो चलकर ईद है जानी। शबाने इस बार ईदी कितनी जमा हुई तुम्हारी? मेरी 3500। तुम्हारी 35? तुम्हारी भी मेरी जितनी हुई? नहीं नहीं 3500 ना। 1000? क्या मतलब? कैसे? 15,000 तो मामू ने भेजे, 10,000 कनाडा वाली खाला ने, बाकी 5,000 मामा बाबा ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या ऐसे मामू खाला होना मुमकिन भी है? मेरे मामा भी काफी जेनरस हैं रिश्तेदार। और क्या वाकई कोई इस दुनिया में इतना खुश नसीब हो भी सकता है? बस यही कुछ मासूम से सवाल है मेरे, है कोई जो मेरे सवालों का जवाब दे? किसी के पास जवाब नहीं। क्या कपड़े हैं कशमाला? इस बार खानदान ने बेस्ट ईद ड्रेस तो मेरा ही होने वाला है। क्या मेहंदी लगी है, क्या हेयर कट, क्या ग्लो अप। इस बार तो सारी कजन्स को आग लगने वाली है। कौन था? चेहरे पे कुछ महसूस हो रहा है। कौन बोला? ईद आए मैं ना आऊं, ऐसे कैसे? शैतान। कौन बोला? एक्ने। ओ पिंपल। ओ नहीं प्लीज, अभी नहीं प्लीज। ऐसे ही होता है, ऐसा सुना है मैंने। बहुत थैंक यू बाबा। ये आपकी? थैंक यू। और ये आपकी? बस 500, रेट बढ़ गया अप्पू, महंगाई देखी आपने। अरे मर्जी है। और ये आपकी? थैंक यू बाबा। और मेरी? उम्र देखो अपनी, उल्टा तुम्हें छोटे बहन भाइयों को देनी चाहिए दी। कितनी गलत बात है अब्बू। अच्छा भाई ये लो। शुक्रिया। चलो अब इसमें से 200 छोटी बहन को दे दो और बाकी 300 से रोटियां ले आओ। शाबाश। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईद के उनवान पर ये मुजायका खेज तबसरा भी आपके मायार पर पूरा उतरा होगा। कमी बेशी माफ करना, ताखीर के लिए एक बार फिर माजरत ख्वाह हूं। इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस एनिमेटेड शो फाइनेंशियली, कंसीडर सपोर्टिंग ऑन पेट्रियन विद एज़ लो एज़ $1। पेट्रियन का लिंक भी डाल दूंगा शेरम का, और जो यूट्यूब का लिंक भी होगा, तो दोनों जाके चेक कर लेना क्योंकि बहुत मेहनत करता है एंड बहुत खाली देखो वो मंथ में एक वीडियो रिलीज कर पाता है, तो फाइनेंशियली अगर उसको सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि वो रेगुलरली पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम लगता है वीडियो बनाने में। बट अभी कमिंग बैक टू द वीडियो, बहुत ही मेरे लिए थोड़ा रिलेटेबल वो ईदी वाला स्टफ बहुत रिलेटेबल है क्योंकि अभी मेरा भी ये हो गया कि मुझे लोगों को ये बच्चे आते हैं उनको पैसे देने पड़ता है। वो तो है। पहले मैं एक्चुअली कितना एक्साइटेड रहता था, अभी ऐसा कोई घर पे रिलेटिव आएंगे तो एक्साइटेड रहता था। अब क्या होता है, एक हाथ से कोई देगा तो ले लो, दूसरे हाथ से किसी को देना पड़ता है। तो फिर मुझे तो दिवाली में ही ऐसा है, मतलब भाई के बेटे, फिर छोटे भाई कजिन्स वगैरह ऐसे आते हैं सब मिलने, तो मतलब मांगते नहीं है। कुछ होते हैं जो मतलब जिनकी एज कुछ 6-7 साल होती है तो उनको कैसा हर चीज़ के ये लेके दो वो लेके दो, तो या तो चॉकलेट्स लेके दो या फिर कुछ और खिलौना, मतलब पैसे दो या ये खिलौना लेके दो, ऐसे तो पैसे ही जाते हैं मतलब हर जगह।
लेकिन ईद में और ये जो मेरा फेस्टिवल है ये विशु में, उसमें कैश देना ही नॉर्मल है और वो एक बन चुका है ट्रेडिशन की देना ही है। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, मतलब कुछ लेके मत दो, पैसे दे दो, वैसा है, बहुत बेनिफिशियल है। वैसे बचपन में बहुत मजा आता था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे मामा मुझे वो टाइम में लाइक इस आज से 10-15 साल पहले भी 1000 रुपए सब देते थे, तो बहुत वैल्यू थी ना। हाँ, आज से 15 साल पहले 1000 रुपए इमेजिन करके देखो आज के इंडिया का, और वो भी इंडियन रुपीस, तो उसको अभी पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लो 3000 हो गए उधर ही, और तभी का 15 साल पहले का महंगाई भी आज के हिसाब से 10000 देने जितना तो हो ही गया। वो तो है। तो मामा बहुत जेनरस है। अभी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में इतना एंजॉय किया जेनरस रिलेटिव्स की वजह से, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी वैसे ही टाइप का जेनरस बनूँ और जितना हो सके अच्छे से पैसे देने की कोशिश करता हूँ। एंड बाकी वो पिंपल वाला मैंने बहुत मीम देखा है और सब्सक्राइबर से सुना वो, भी वो कब होता है पता है क्या, वो जब 2-3 दिन होते हैं ना ईद के, तब आ जाते हैं, मतलब फिर जाने का चांस नहीं रहता, या तो फिर आज समझो कल ईद है तो आज आ जाते हैं, मतलब तो होता है, मतलब ये सच है बात। अब मैं इसको अगर रिलेट करने की कोशिश करूँ कि बाकी अगर हमारे इसमें लाइफ में कोई भी ऐसा मेजर मोमेंट्स होता है, मेरे कॉलेज में हुआ करता था कुछ कुछ ऐसा स्पेशल डेज होता था, मैं बहुत तैयार होके जा रहा कोई टाई डे या फिर ट्रेडिशनल डे, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता था उस दिन सही दिखना है, और फिर उस दिन पिंपल एक्ने। क्या क्वालिटी और क्या एकदम वॉइस को एकदम परफेक्ट मैच करना, और वो साउंड इफेक्ट्स भी, वो जो वीडियो कॉल वाला साउंड इफेक्ट था कि सेम रूम में दोनों यूज कर रहे हैं, ईयरफोन्स में ऐसा चुभ रहा था, मतलब ऐसा आवाज यार क्या है, मतलब लेकिन वो रियली वैसे ही साउंड आता है, तो सीरियसली वो सच बोला तो हर चीज में इतना मेहनत और इतना रियलिस्टिक बनाना, और ये ऑलरेडी बना चुका है वीडियोस ईद के बारे में, तो हर बार कुछ नया रिलेटेबल ढूंढना कितना डिफिकल्ट रहेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग कितना डिफिकल्ट रहेगा, डायलॉग्स बनाना, सब कुछ बहुत बहुत। तो सिर्फ एनिमेशन नहीं है इसके पीछे, और भी बहुत। और वो जैसे वो कुर्ता पैजामा पहनो, टॉयलेट में गए, नाड़ा अंदर, और होता है वो जो क्या कहते हैं वो नाड़ा जो बांधने का रहता है, हो जाता है, मतलब कि आप कहीं पे भी, मतलब जैसे कि कुछ लूज लग रहा है आपको, चला जाता है अंदर, तो कितना रियलिस्टिक है, मतलब ये तो मज़ा आ गया ये वीडियो देख के। अगेन शेरम की स्केचबुक का लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक एम आउट। एंड हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, शेरम को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड फिर भी अगर हमारे पे भी थोड़ा दया आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।